यस सर, यस सर। सो आपकी जो 12th क्लास है उसका जो पहला टॉपिक है दैट इज रिलेशन। हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले हम रिलेशन कवर करेंगे, उसके बाद फंक्शंस वगैरह आएगा। फिर तो रिलेशन, ये जो चैप्टर है ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका एक क्वेश्चन फिक्स आना ही है। पिछले कुछ आज मैं आपको दिखाऊंगा भी 2024 में, 2023 में, 2022 में किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं। ठीक है, लगभग पिछले 3 साल के सारे PYQ ऑलमोस्ट में दूंगा। कुछ हम आज करेंगे, कुछ अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चैप्टर है लगभग हर शिफ्ट में जो भी पेपर होता है एक क्वेश्चन फिक्स है इसका, वन क्वेश्चन इसका आ ही रहा है। छोटा सा टॉपिक है और छोटे से टॉपिक से अगर एक क्वेश्चन आ जाता है तो ये हमारे लिए बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। समझ आ रहा है, ये हमारे लिए बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। क्यों? क्योंकि उसकी एक सिंगल थ्योरी से हम एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं जहां से हमें 4 मार्क्स गारंटी मिल सकते हैं। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में? और सारे क्वेश्चन ही एक ही वेराइटी से आते हैं, टाइप ऑफ रिलेशन से। इसके अलावा और कोई वेराइटी नहीं है, लेकिन बस उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन वो लोग कर देते हैं, अलग अलग थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन। सारी वेराइटी हम लगभग क्लास में कवर करेंगे और चांसेस ये भी है कि 2025 में जो भी क्वेश्चन आएगा उसी वेराइटी से आएगा। क्यों? क्योंकि पिछले 3-4 साल में लगभग सेम चीजें बार बार रिपीट हो रही है। तो ये चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। और हाँ, ध्यान रखो एक एक मार्क्स, एक एक क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। एक मार्क्स से भी हजारों रैंक ऊपर नीचे हो जाती है, तो 4 मार्क्स से तो बहुत सारी रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, लगभग एक एक लाख का अंतर आ जाता है, एक एक मार्क्स मतलब 4-4 नंबर, 10-10 नंबर रैंकिंग में। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से करके अपने 4 मार्क को बहुत प्रॉपरली सिक्योर करने, मोस्ट प्रोबेबली 2 से 2 लेक्चर में या 3 लेक्चर में पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। 2 से 3 लेक्चर में हम इस पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। आपको भी अपने एंड से बहुत अच्छे से इसको कवर करना। बेसिक थ्योरी आपको आती है, फिर भी मैं पूरी बेसिक थ्योरी आपको रिवाइज करूंगा। फिर कुछ भी नहीं समझ में आता है अनम्यूट करके पूछ लेना, उसके बाद हम डायरेक्ट जेई की PYQ स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है सबको? ओके ओके सर, करें स्टार्ट? यस यस सर, ओके, सब लोग जवाब देते रहना, कहीं पे भी नहीं समझ में आए पूछ लेना। कोशिश करना अनम्यूट करके पूछो, इनकेस अगर अनम्यूट करके नहीं पूछ पाओ तो चैट बॉक्स में लिख देना। क्लियर है? ठीक, ओके सर, चलो स्टार्ट करते हैं रिलेशन के साथ। तो देखो रिलेशंस पढ़ने से पहले सबसे बेसिक इसका हम देखते हैं सेट्स में। सेट्स में हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े थे क्लास 11th में आप लोगों ने। उसमें से सेट्स को पढ़ने के बाद आपने एक टर्म देखा होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट आया ना, जैसे मान लो कोई सेट है ए और दूसरा सेट है बी। सेट ए में कुछ एलिमेंट है 1, 2, 3, सेट बी में एलिमेंट है मान लो 7 और 8। अब ए से बी में हमने डिफाइन किया था ए क्रॉस बी को बोला करता कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लास 11 में अपना ध्यान हो है ना, याद आ रहा है? यस सर, यस सर। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या था, क्या मुझे बता सकते हो यहाँ पे ए क्रॉस बी का आंसर क्या आएगा? बोलो। सर, जो ए के एलिमेंट है और जो बी के एलिमेंट्स है हाँ, उनका प्रोडक्ट सर, जैसे कि जो 1 है उसकी बी में इमेज बनती है, जैसे ए की। सही बात है, लगभग सही बोला, लेकिन थोड़ा और अच्छे से बताओ कोई हो। हाँ और बताओ, ए से बी में। हाँ बताओ और क्या हो सकता है, मतलब क्या डेफिनेशन इसकी? पार्टीशन प्रोडक्ट किसको बोलते थे? ठीक है, देखो ए क्रॉस बी का मतलब ये होता था, अनम्यूट करो माइक किसी का ऑन है। ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी, सेट ए से सेट बी में जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है। ये वर्ड ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, जो भी पेयर बनेगा वो ऑर्डर में आना चाहिए। किसमें आना चाहिए? ऑर्डर में आना, ऑर्डर में आना चाहिए। मतलब मान लो ए कॉमा बी है तो पहला एलिमेंट सेट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी से आएगा, है ना? तो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो ए से बी में जितने पॉसिबल कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर को हम ए क्रॉस बी बोलते हैं। अब 1 है तो 1 2 के साथ इमेज बना सकता है, 7 और 8, तो 1.7, 1.8 ये दो एलिमेंट आ जाएंगे।
टू के साथ भी दो, 2.7, 2.8 और 3 के साथ 3.7, 3.8, हाँ है ना। तो ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, जिसमें सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आ गए। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। अब इसमें अगर एक चीज और देखेंगे, अगर मैं पूछता हूँ जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने, 3 है, सेट बी में 2 एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? नंबर ऑफ सिक्स आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो वो भी क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि आप यहाँ पे लॉजिकली भी देख सकते हो, ए के साथ दो ऑप्शन है, सेकंड के साथ भी दो ऑप्शन है, थर्ड के साथ भी और दो ऑप्शन है, तो टोटल ऑप्शन कितने हो गए, 2 + 2 + 2, दैट इज 6। क्या बात समझ में आती है? यस सर। ये मेरा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर का कलेक्शन सेट ए से सेट बी में, जहाँ पे सेट ए मेरा इनपुट सेट है, सेट बी मेरा आउटपुट सेट है। अब ध्यान समझना, अब मान लो मैं इसी में एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, रिलेशन आर, और मैं इस तरह से बोल रहा हूं, रिलेशन आर इज डिफाइंड एज एक्स कॉमा वाई, इस तरह से लिखा जाएगा, वेयर एक्स बिलोंग्स टू, या फिर आप ए कॉमा बी भी लिख सकते हो, एक्स कॉमा वाई कुछ भी लिख सकते हो, मान लो ए कॉमा बी लिख दिया। अ रिलेशन आर डिफाइंड एज ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी एलिमेंट बी बिलोंग्स टू सेट बी, और ए बी में क्या रिलेशन आ रहा है, मान लो ये रिलेशन आ रहा है बी बी इक्वल टू ए प्लस 6। इस तरह से मान लो मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया, है ना। अब ध्यान से देखो, अब इस रिलेशन आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, बी इक्वल टू ए प्लस 6, ए आएगा सेट ए से और एलिमेंट बी सेट बी का होना चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या क्या रख सकते, ए की वैल्यू 1 रखेंगे अगर, तो क्या आएगा बताओ आंसर, ए 1 रखेंगे तो बी कितना आ जाएगा, 7, यस सर, है ना। फिर ए की वैल्यू मान लो 2 रखी तो बी कितना आएगा, 8, 9 आ जाएगा, यस सर, 3.9 आ सकता है क्या, नहीं आ पाएगा ना, देखो 3.9 अलाउड है क्या सर, उसमें है नहीं, बी में है नहीं, बस 3.9 आएगा ही नहीं, तो आपके पास सिर्फ दो ही एलिमेंट आएंगे, है ना। यस सर, तो देखो यहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे एक रिलेशन मैंने आर डिफाइन किया गया है जिसके अंदर दो एलिमेंट है, अब क्या ये दो एलिमेंट इसी का एक पार्ट है, क्या इसी का एक सबसेट है, यूं बोल सकता हूँ, यस सर, ये जो दो एलिमेंट आ रही है मेरे ए क्रॉस बी का ही कोई ना कोई एक सबसेट है ना, ये इसी का कोई ना कोई क्या पार्ट हो, ठीक है। तो यही डेफिनेशन हुई आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, सॉरी रिलेशन की भी, एक सेकंड। तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे, एक सेकंड, तो रिलेशन के बारे में क्या बताया गया, ये अगर मान लो रिलेशन के बारे में मुझे रिलेशन में डिफाइन कर रहा हूँ आर फ्रॉम सेट ए टू बी, ऐसा लिखा जाएगा, तो जो रिलेशन आर होगा वो मेरा जो ए क्रॉस बी में सारे पॉसिबल कलेक्शन हो जाएंगे, ऑल टोटल कलेक्शन हो जाएंगे, है ना, ए क्रॉस बी में तो क्या देंगे, टोटल पॉसिबल कलेक्शन। और जो मेरा रिलेशन डिफाइन होगा वो इनपुट आउटपुट पे कैसा भी डिफाइन है, जो भी रिलेशन डिफाइन होगा वो रिलेशन क्या होगा, इस ए क्रॉस बी का कोई ना कोई क्या होगा, सब पार्ट होगा, कोई ना कोई क्या होगा, सबसेट होगा, ये बात समझ आती है, है ना, वो रिलेशन इसका कोई ना कोई क्या होगा, सबसेट होगा, तो यही रिलेशन होता है। अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, इज वन ऑफ द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, क्या बात समझ में आई, बोलो सबको, यहां तक क्लियर है क्या? यस सर, यस सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, सेट्स में आपने एक चीज पढ़ी थी, कि अगर मान लो कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है, मान लो 1, 3, 8, 3 एलिमेंट, हेलो, कोई सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, मैं पूछूंगा फाइंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने होंगे इसके, सेट्स में सर 8, हाँ कितना आएगा इसका आंसर, 8 आएगा, वेरी गुड, 8 कैसे आया, याद आ रहा है, यस सर, उसकी 2 की पावर 3 हो जाएगी सर, हाँ, फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट का फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n था, यस सर, है ना, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, अब सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 3, यस सर, 3 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट का याद रहो फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 सर, 8,
कितना जाएगा 8, क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये ध्यान रखना टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या था, 2 की पावर n, ये फार्मूला होता है। और रिलेशन किसका सबसेट है, a क्रॉस b का सबसेट है। रिलेशंस जो होंगे वो किसके सबसेट होंगे, a क्रॉस b के सबसेट होंगे। यहां तक समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। एक चलो इस पे कर, जैसे ये फाइंड द, यहाँ पे मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मान लो सेट ए में ये एलिमेंट है, सेट बी में ये एलिमेंट है, पूछा गया देन फाइंड, लिखो ये क्वेश्चन, लिखो अपनी अपनी कॉपी में, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन From set A to B, from A to B, set A में ये element है, set B ये है, तो आपको ये निकालना कि total number of possible relation from set A to set B, करो try। सर सारे relations लिखने हैं? नहीं नहीं, आपको ये बताना कि total कितने relation possible हो सकते हैं, number of, total number of possible relation, number of, कितने रिलेशन हो सकते हैं, लिखना नहीं है। गलती हो रही, वापिस सोचो, वापिस सोचो, अभी सिखाया था, सोचो वापिस। सर 30, सर 12, नहीं सर 12, और सोचो, गलती हो रही है, वापिस सोचो, अभी क्या सिखाया था, रिलेशन क्या है, इसका सबसेट है सर 30, ए क्रॉस बी का सर। देखो छोटा सा क्वेश्चन था, अभी क्या कॉन्सेप्ट सीखा है, रिलेशन किसका सबसेट है, A क्रॉस B सर, A क्रॉस B, A क्रॉस B का रिलेशन क्या है, सबसेट। यस सर। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n होता है। यस सर। सबसे पहले तो A क्रॉस B में एलिमेंट निकालने पड़ेंगे। यस सर। है ना, सबसे पहले तो A क्रॉस B में एलिमेंट निकालना पड़ेंगे। A में 2 एलिमेंट है, B में 3 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में 6 एलिमेंट होंगे, है ना? यस सर। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आप कितना, देखो इस सेट में 6 एलिमेंट, अब इसका सबसेट है ना। यस सर। इसका सबसेट होगा ना रिलेशन, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ 64 आएगा सर आंसर। हां रिलेशन, वेरी गुड। तो 2 की पावर n फार्मूला अप्लाई होगा, तो 2 की पावर n में 2 की पावर n कितना है यहां पे, 6 आ रहा है, 64, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 6 की पावर, आई बात समझ में, बताओ। देखो अब तक अपन ने क्या पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, a से b में जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है उन सबका कलेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। a से b में जितने पॉसिबल कलेक्शन हो सकते हैं उन सबका कलेक्शन मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, और जो रिलेशन है वो उसी का कोई ना कोई सबसेट है, उसी का कोई ना कोई क्या है, सब पार्ट है। तो हमने ये भी देखा कि अगर ए में कुछ एलिमेंट है, बी में कुछ एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। और सबसेट का फॉर्मूला भी क्या होता है, 2 की पावर एन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट का फॉर्मूला भी क्या होता है, 2 की पावर एन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सेट ए दिया हुआ था, सेट बी दिया हुआ था, सेट ए में 2 एलिमेंट थे, सेट बी में 3 एलिमेंट थे, तो एन ए क्रॉस बी में टोटल 6 एलिमेंट होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, 2 की पावर एन, 64। इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, एनीवन। नो सर। अच्छा हाँ, आपको नोट्स अभी ग्रुप में आ जाएंगे, अभी ये पूरी नोट्स की पीडीएफ आपको ग्रुप में मैं व्हाट्सएप, आपका जो ग्रुप बना है उसमें मैं सेंड कर दूंगा, जस्ट क्लास के बाद सेंड कर दूंगा विद डीपीपी, इसी के अंदर डीपीपी भी रहेगी आपकी, तो नोट्स की चिंता मत करना। अगर आपको हाथों हाथ बनाना है तो थोड़ा फास्ट लिखना, लेकिन पहले समझने की ट्राई करना फिर लिखते जाना, और कुछ छूट भी जाए तो जगह छोड़ देना, घर पे जाके इसको कवर कर लेना, क्लियर है? नोट्स आपको भी क्लास के बाद में आ जाएंगे, ऐसे कैसे। अब ये भी आपने 11th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, डोमेन एंड रेंज का, जैसे मान लो कोई रिलेशन, हाँ रिलेशन R में डिफाइन कर रहा हूँ, मान लो सुनना ध्यान से, सेट A से सेट B में कोई रिलेशन R डिफाइंड है, और उसकी मैपिंग मान लो मैं डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे मान लो 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10,
और ये मान लो इनपुट सेट है, ये आपका आउटपुट सेट है और मैपिंग इस तरह से हो रही है। इनपुट ए वन रखने पे आंसर 8 आ रहा है, 2 रखने पे मान लो 9 आ रहा है, 3 रखने पे भी मान लो 9 आ रहा है, और 4 रखने पे मान लो 4 रखने पे कुछ मान लो 4 रखे रख ही नहीं पा रहे, क्लियर है। 4 रखने पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, मान लो 4 रखने पे 11 आ रहा था पर 11 नहीं था। तो ये एक मैपिंग हुई कोई रिलेशन आर की, यहाँ तक क्लियर है? मैपिंग समझते हो ना, इस तरह से डायग्राम आपने बनाया 11th में। यस सर। ये आपका इनपुट है, आपका आउटपुट है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ये पूछता हूँ, बताओ इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन में कौन सा जो ए वाला है वो सारी हमारी डोमेन हो जाएगी सर। यस सर। पक्का? यस सर। डोमेन में 1 2 3 4 आएगा क्या, डोमेन में 1 2 3 आएगा? 1 2 3 4 1 2 3 पूरे जो ए होएगा वो पूरा हमारा डोमेन हो जाएगा सर। नहीं नहीं देखो ये गलती हो रही है, 1 2 3 आपका सेट ए डोमेन जब अगर फंक्शन होता तो होता, रिलेशन में या फिर किसी में भी जो भी एलिमेंट यूज हो रहे हैं वही डोमेन में आते थे। यहाँ पे कौन से एलिमेंट की इमेज बन रही है, सिर्फ 1 2 और 3 की, तो डोमेन में सिर्फ 1 2 और 3 आएगा, 4 नहीं आएगा। देखो ये ध्यान रखना। ओके सर। यस सर। देखो एक छोटी सी गलती हो सकती थी, इसलिए एक बेसिक एग्जांपल ले लिया, तो डोमेन में जो एलिमेंट यूज हो रहे हैं वो आएंगे। क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। क्या आएगा? 8 9 सर। वेरी गुड, 8 और 9 जिसकी इमेज बन रही है वो रेंज में आएगा। कोई डाउट यहाँ तक? तीनों में अंतर क्लियर है? बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ से कभी कभी एक चीज और डिफाइन होती थी कुछ कुछ क्वेश्चन में, अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर मान लो मुझे ये आर था, आर इनवर्स निकालना, इसका इनवर्स निकालना, तो इनवर्स कैसे निकालते थे, इनवर्स में क्या हो जाएगा सर? बी टू ए चलेंगे फिर। वेरी गुड, जो पहले ए से बी हो रहा था वो काम बी टू ए हो जाएगा। यस सर। बी सर। यहाँ पे एलिमेंट क्या आएंगे, एक सेकंड, 7 8 9 10 यहाँ पे एलिमेंट हो जाएंगे, 7 8 9 10 और इधर आपके एलिमेंट हो जाएंगे 1 वापिस 2 वापिस 3 यहाँ पे 4 और जो मैपिंग बनेगी वो मैपिंग कैसी बनेगी, 8 किस 7 किससे जुड़ेगा, किसी से भी नहीं जुड़ेगा, हाँ है ना? 8 yes, किससे जुड़ेगा? 1 से सर। 1 से। 2 से। 2 और 3 से सर। 2 और 3 दोनों से जुड़ेगा? यस सर। यस। 10 किसी से भी नहीं जुड़ेगा। अब इसकी डोमेन कितनी हो जाएगी आर इनवर्स की सर? 8 और 9 और रेंज सर 1 2 3 1 2 and 3। तो जो पहले डोमेन थी वो अब इधर रेंज बन गई, जो पहले रेंज थी इधर डोमेन बन गई इनवर्स में, हाँ है ना? यस सर। ये बेसिक था, क्लास 11th में भी इनके बारे में आपने ध्यान दिया होगा, है ना? खैर इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन जेई में तो नहीं आते, लेकिन फिर भी बेसिक समझाना था। क्या है, समझ में आ गया यहाँ तक फंडामेंटल? यस सर। इस पे इसका यूज भी हो सकता है दूसरे क्वेश्चन में। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे जेई मेंस में, वो है टाइप ऑफ रिलेशन। यहीं से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पिछले 4-5 सालों से एक क्वेश्चन आ ही रहा है। अब इस टॉपिक को आपको बहुत ध्यान समझ, अब देखो रिलेशन के बहुत सारे टाइप है, लेकिन जो हमें 3 मेजर पढ़ने जहां से सारे क्वेश्चन आते हैं उसके जो 3 टाइप के रिलेशन है वो है आपके, एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक का नाम दिया जाता है सिमेट्रिक, और एक होता है ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव, अब एनी मनी कोई बताना चाहेगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब किसी को बोलते हैं? जैसे मान लो कोई रिलेशन आर में डिफाइन कर रहा हूं सेट ए पे, सेट ए पे मतलब ए क्रॉस ए, इनपुट भी ए से आएगा आउटपुट भी ए से आएगा, ए के अंदर मान लो कुछ एलिमेंट है 1, 2, 3, तो रिफ्लेक्सिव किसको बोलते हैं, कौन से टाइप के? अब देखो रिलेशन के टाइप है, रिलेशन के क्या ये टाइप है, तो रिफ्लेक्सिव कब बोला जाएगा, कैसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे? एनीवन सर, जब भी एलिमेंट जब सर एक्स बिलोंग्स टू आर होता है सर, एक-एक करके बताओ। सर जब एक्स बिलोंग्स टू आर होता है और जब एक्स और एक्स वो भी बिलोंग्स टू आर होता है, नहीं रिफ्लेक्सिव तब होगा जब 1 पे बिलोंग टू आर होता है, रिलेशन 2 से होगा, 3 का रिलेशन होगा सर, जब खुद का रिलेशन खुद से होता है, खुद से होएगा।
वेरी गुड, हाँ ये सही है। और कोई? अच्छा जब हाँ खुद का रिलेशन खुद से, जैसे सेट ए में एलिमेंट 1, 2, 3, अगर मान लो कोई रिलेशन में R1 डिफाइन कर रहा हूँ 1, 1, 2, 2, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? सोच समझ yes, सर। सर क्या इसको रिफ्लेक्सिव बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यस सर। क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? यस सर। आधे लोग बोल रहे हैं, आधे लोग बोल रहे हैं। क्वेश्चन रिपीट करना सर। मैंने बोला कि सुनना ध्यान से, सेट ए पे एक मिनट एक जना माइक ऑफ कर लो बरगाली। हाँ मैंने ये बोला कि यहाँ पे सेट ए दिया हुआ जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, ठीक है, उसके अंदर और रिलेशन डिफाइंड है ए क्रॉस ए पे, मतलब इनपुट आपका सेट ए ही है। तो मैंने बोला एक रिलेशन है आर वन जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 1, 2, 2, तो मैंने ये पूछा क्या इस रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव बोल सकते हो क्या? यस सर बोल सकते हैं। हाँ देखो ये गलती हो गई, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। वेरी गुड, सारे एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग होना है, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। रिफ्लेक्सिव कब होता? जब हर एलिमेंट का खुद के हाँ सबका पेयर होता है। मान लो कोई रिलेशन 1, 1, 2, 2, 3, 3, हाँ वेरी गुड। एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर सेट ए का हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करेगा तभी उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो ये रिफ्लेक्सिव है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अब नेक्स्ट आपका सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक का बोलेंगे ध्यान समझना, बहुत आसान भाषा में हिंदी में समझा रहा हूँ कि अगर मान लो किसी रिलेशन आर के अंदर कोई रिलेशन आर मैंने डिफाइन किया गया, उस रिलेशन आर के अंदर मान लो ए कोमा बी का एक एलिमेंट है जो रिलेशन आर के अंदर आ रहा है, ए कोमा बी रिलेशन आर के अंदर है, तो अगर ये है ये या गिवन कंडीशन, अगर ए कोमा बी आर के अंदर है तो उसका जो उल्टा, तो बी कोमा ए बी अगर आर के अंदर आ रहा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। तो ये आपको ध्यान रखना है, रिलेशन आर के अंदर जो जो भी एलिमेंट आ रहे होंगे उनके रेसिप्रोकल भी अगर उसके अंदर अवेलेबल है तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलूंगा? सिमेट्रिक बोलूंगा। एग्जांपल के तौर पे एक समझ लो, मान लो मैंने कोई एग्जांपल लिया 3, 2, 1, 1, 2, 3, क्या ये सिमेट्रिक है? यस सर। देखो हर एलिमेंट का रेसिप्रोकल अवेलेबल, इसका रेसिप्रोकल ये है, इसका ये है और इसका रेसिप्रोकल तो खुद ही होता है, तो हाँ ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक आया ना? यस सर। क्या कहने का मतलब क्या, अगर उसके आर के अंदर कोई एलिमेंट है उसका रेसिप्रोकल बाकी को हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे तो देखो सारे ये तीनों के तीनों होना जरूरी है, इसके अलावा कुछ हो तो वो उससे मतलब नहीं है, इन तीनों का होना जरूरी है रिफ्लेक्सिव होने के लिए। लेकिन सिमेट्रिक में क्या बोला गया है, अगर ए कोमा बी आर के अंदर आ रहा है तो उसका जो रेसिप्रोकल है बी कोमा ए वो भी आर के अंदर आना चाहिए, तो सिमेट्रिक। हाँ लक्ष्य क्या डाउट है आपको पूछो। कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया जल्दी बताओ, अनम्यूट करके बोलो जल्दी से। लक्ष्य कुमार सिमेट्रिक समझ में नहीं आया, अभी एग्जांपल लूंगा मैं, डोंट वरी, अभी 8-10 एग्जांपल करेंगे इसके ऊपर एक एक करके, ठीक है? तो देखो वापिस समझा रहा हूं, रिफ्लेक्सिव में ये बोला गया है, रिफ्लेक्सिव मतलब इनपुट सेट में जितने भी एलिमेंट है, इनपुट सेट में जितने भी एलिमेंट है उसका खुद के साथ पेयरिंग होना जरूरी है। जैसे 1, 2, 3 है तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, अगर तीनों टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। सिमेट्रिक में ये बोला गया है अगर ए कोमा बी टाइप का एलिमेंट आर के रिलेशन आर के अंदर है, अगर ए कोमा बी रिलेशन आर के अंदर है तो उसका रेसिप्रोकल बी कोमा ए भी रिलेशन आर के अंदर होना चाहिए। अगर ए कोमा बी है तो उसका रेसिप्रोकल कम्यूटेटिव मतलब बी कोमा ए भी उसके अंदर अगर हो गया तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। जैसे 3, 2 ए, तो 3, 2 का उल्टा कौन होगा? 2, 3 वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, 1, 1 भी प्रेजेंट है, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव समझो ध्यान से, और इस पर भी टेंशन मत लेना, अभी बहुत सारे एग्जांपल करेंगे इस पर, लगभग अगली दो क्लासेस में सारे एग्जांपल इन तीनों पे किए जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे और समझ में आएगा और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से सारे एग्जांपल होंगे। ट्रांजिटिव में ये बोला गया है कि अगर
अच्छा बस इस ट्रांजिटिव में थोड़ा सा आप ये समझना कि ट्रांजिटिव कम नहीं होगा। अगर मान लो ए कोमा बी रिलेशन आर के अंदर आ रहा है और एक और एलिमेंट बी कोमा सी भी रिलेशन आर के अंदर आ रहा है, ये दोनों मान लो ए कोमा सी भी होना चाहिए तभी ट्रांजिटिव होगा। अब देखो ए कोमा सी होना चाहिए। हाँ सही है, ए बी और बी सी का ट्रांजिशन पेयर क्या बनेगा? अगर बी और बी को कैंसिल कर दो तो इनका ट्रांजिशन पेयर बनेगा ए कोमा सी सर। तो अब इसमें ये बोला गया अगर ये दोनों प्रेजेंट है, सुनना ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंटली, अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो ए कोमा सी को भी आर के अंदर होना पड़ेगा तभी उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। अगर ये दोनों प्रेजेंट है और ए कोमा सी अगर नहीं प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? नॉट ट्रांजिटिव। अगर मान लो ए कोमा सी है, बी कोमा सी भी आर के अंदर है, लेकिन अगर ए कोमा सी आर के अंदर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉट ट्रांजिटिव। बाकी सब केस में ट्रांजिटिव होगा, बाकी सब केस में उसको क्या बोलोगे? ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव कब होगा बस इसका ध्यान रखो, नॉट ट्रांजिटिव व्हेन ए कोमा सी इज नॉट इक्वल्स टू आर, वेरी गुड। तो आपको ये दोनों तरह के एलिमेंट देखने, अभी एग्जांपल लूंगा, ध्यान से सुनते जाओ, बस पेशेंस रखना। देखो कोई भी चीज पहली बार में एकदम से समझ भी नहीं आएगी, आप सोचो कि एक बार में बोल दिया समझ में आ गई, ऐसा नहीं होगा। पेशेंस रखना, एक ही चीज को चार पांच बार अपन समझेंगे, एग्जांपल लेंगे, तब जाके धीरे धीरे समझ में आएगा। तो थोड़ा कंसंट्रेट होके बैठना, ठीक है? सुनना दो यहाँ, अगर मान लो ए कोमा बी आर के अंदर है, बी कोमा सी भी आर के अंदर है, और ए कोमा सी अगर आर के अंदर नहीं आया तो उसको नॉट ट्रांजिटिव बोलेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसके मैं चार पांच एग्जांपल ले रहा हूँ, सुनना ध्यान। एक एग्जांपल ये मान लो सेट सेट ए मान लो है कुछ, जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3। एक रिलेशन आर मैंने डिफाइन किया, मान लो 1, 2, 3, 2, 2, 1। मैं आपको पूछ रहा हूँ क्या ये ट्रांजिटिव है के नहीं है, तो इसको चेक करने का तरीका सुनो। अब 1, 2 है, सुनो अभी बोलो मत कोई भी, 1, 2 है तो 1, 2 के साथ ट्रांजिशन पेयर किसका बनेगा? जो से देखो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो 1, 2 के साथ किसके 2, 1 का ट्रांजिशन। अब इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? 1, 1 आर के अंदर आ रहा है, नॉट बिलोंग। आप क्या बोलोगे? नॉट ट्रांजिटिव। तो आपको इसी तरह से हर एलिमेंट का चेक करना है एक-एक करके। अगला भी देखोगे 3, 2 और 2, 1, इनका ट्रांजिशन पेयर क्या बनेगा? 3, 1 वो भी आर के अंदर नहीं आ रहा, इसको भी क्या बोलेंगे? नॉट ट्रांजिटिव। इसको भी क्या बोलोगे? नॉट ट्रांजिटिव। आरी बस समझ, अगर एक में तो कोई नहीं, ठीक है? एक एग्जांपल लिया, सुनना ध्यान से, अभी और एग्जांपल लूंगा मैं इसमें बहुत अच्छे। तो सबसे पहले मैं एक वापस रिकैप कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। रिफ्लेक्सिव, पढ़ो डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव के ऑफिशियल। A relation R on set A is said to be reflexive if every element of set A is related to itself. Set A का हर element खुद के साथ related हो तो उसको reflexive बोलेंगे। Set A का हर element खुद के साथ related होना चाहिए। Symmetric मतलब अगर A कोमा B R के अंदर आ रहा है तो B कोमा A को भी R के अंदर आना पड़ेगा तो उसको बोलेंगे symmetric। Transitive मतलब A कोमा B और B कोमा C अगर R के अंदर है तो A कोमा C को भी R के अंदर होना पड़ेगा तो उसको बोलेंगे transitive। Clear हो गया? Yes sir. अब ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम क्या बोल देते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस का नाम हम दे दिया इक्विवेलेंस रिलेशन। जो रिफ्लेक्सिव भी को सेटिस्फाई कर रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है और ट्रांजिटिव भी हो रहा है। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां तक समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। अब सुनना ध्यान से, एक ट्रांजिटिव एक छोटा सा एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। मान लो कोई सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया, मान लो ये क्या ट्रांजिटिव है या नहीं है? है सर। नो सर। नो सर। नो सर। सर है। हाँ अब देखो। सर ट्रांजिटिव। हाँ। ट्रांजिटिव हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। यस। क्योंकि सर बी कोमा सी है ही नहीं। हाँ क्योंकि यहाँ पे कोई वो अपनी डेफिनेशन को नेगलेक्ट नहीं। अब देखो 1, 2 के साथ किसी का पेयर बनेगा क्या?
1,2 के साथ पेयर बनने के लिए 2 से स्टार्ट होना पड़ेगा किसी को, 2 से कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, और ना ही 3,2 के साथ किसी का पेयर बनेगा। तो अपनी डेफिनेशन को नेग्लेक्ट तो कर ही नहीं ना, या कुछ पेयरिंग ही नहीं हो रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव बोलेंगे। इसलिए ध्यान से मैंने क्या बताया आपको, ट्रांजिटिव कब नहीं होगा ये सोचना। अगर ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट और ये प्रेजेंट नहीं है तो क्या बोलोगे, नॉट ट्रांजिटिव। तो क्या बोलोगे, आपका पेयर बन ही नहीं रहा है तो उसको ट्रांजिटिव ही बोलना है, ये याद रख लो। अगर आपका पेयरिंग बन ही नहीं रही है तो उसको ट्रांजिटिव बोलना है। ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, अगर ये दोनों प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट नहीं हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉट ट्रांजिटिव। अदरवाइज हमेशा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। क्लियर है? यस सर। बस इस थोड़े से पॉइंट का ध्यान रखना, ये जनरली यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। अब जैसे यहाँ पे इस केस में यहाँ पे कोई पेयर ही नहीं बन पा रहा है, पेयर कैसे बनेगा, पेयर तब बनता है जब जैसे मान लो ए कोमा बी हो और दूसरा एलिमेंट भी बी से स्टार्ट हो रहा हो, दूसरा एलिमेंट भी बी से स्टार्ट, मान लो बी कोमा डी, तो इनका पेयर क्या बनेगा, ए कोमा डी है ना। यस सर। यहाँ पे ट्रांजिशन बनने के लिए ये दो एलिमेंट सेम होना चाहिए, ट्रांजिशन बनने के लिए एक सेट का सेकंड एलिमेंट दूसरे सेट का फर्स्ट एलिमेंट, अगर ये दोनों सेम है तो इनका ट्रांजिशन बन सकता है। अब यहाँ पे कोई ट्रांजिशन ही नहीं बन रहा है तो हम नॉट ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव है। बस इसको याद रखना दोस्तों, क्लियर है? ओके सर। ठीक है। और ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। यस आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। सेट ए है 3, 6, 9, 12, उस पर एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है, आपको पूछा है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस से क्या है, आराम से करो उसको ट्राई। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है सर। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव सर। फिर ऑप्शन बी है, ओनली रिफ्लेक्सिव। ओनली रिफ्लेक्सिव सर। ओनली रिफ्लेक्सिव ऑप्शन बी सर। बी ऑप्शन है, ओनली रिफ्लेक्सिव है सर। सर ए है। ये जो भी मिस्टर एमएसटी आपका कोड वर्ड, आप रिएक्शन नहीं दोगे क्लास में इस तरह के, ये लास्ट वार्निंग है। आपको अगर चैट बॉक्स में कुछ लिखना है, ऑप्शन लिखो या फिर प्रॉपरली बात, कोई भी इस तरह के रिएक्शन क्लास में नहीं देगा, ठीक है? ये बात ध्यान रखना सबको। क्या आ रहा है ऑप्शन बी? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। कुछ बच्चों का ए आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का बी भी आ रहा है, चलो देखते हैं। आई थिंक सबने अटेम्प्ट कर लिया है। सुनो ध्यान, अब सब लोग समझो इस चीज को। सबसे पहले सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो है 3, 6, 9 और 12। अब रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने ये समझाया था, सेट ए के हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयर होना चाहिए। हर एलिमेंट का ध्यान रखना, सेट ए के हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयर होना चाहिए। तो क्या सारे पेयर हैं कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। 3,3 है, 6,6 भी है, 9,9 भी है, 12,12 भी, तो मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। क्लियर है? अब चेक करते हैं सेकंड सिमेट्रिक के बारे में। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया, सेकंड चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ये समझाया गया था कि रिलेशन आर के अंदर जो भी एलिमेंट है उनके रेसिप्रोकल अवेलेबल होना चाहिए। तो चेक करते हैं क्या करके। अब देखो ये शुरू के चार के अंदर रेसिप्रोकल ये खुद ही, तो इनके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद के ही रेसिप्रोकल है, तो इनको नहीं चेक करेंगे। सब अगला पहला एलिमेंट क्या रहा है, 6,12, क्या इसका रेसिप्रोकल अवेलेबल है? नो सर। पहले मेरे निगलेक्ट हो गया, एक भी अगर प्रेजेंट नहीं है तो 6,12 का रेसिप्रोकल 12,6 रिलेशन आर के अंदर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, नॉट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक तो नहीं होगा। सिमेट्रिक तो नहीं होगा। अब लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव ध्यान से देखना, ट्रांजिटिव के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, ये इस तरह से पेयरिंग होनी चाहिए, ए बी और बी ये दो एलिमेंट सेम होना चाहिए। ये दो एलिमेंट क्या होना चाहिए, एक एक करके चेक करना, मतलब ध्यान से देखना। सबसे पहले 6,12 के साथ देखते हैं,
वो ध्यान समझ लेना, आगे और भी क्वेश्चन में दूं आप इसको, पहले भी समझ लो अच्छे से। 6.12 का ट्रांजिशन उसके साथ होगा जो 12 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कोई 12 से स्टार्ट हो रहा है क्या? सिर्फ 12.12 ही हो रहा है, 12 से कौन स्टार्ट हो रहा है? 12.12 ही हो रहा है। उनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? ये खुद ही बन जाएगा वापिस, इसके साथ चेक करने की जरूरत ही नहीं, सेम एलिमेंट के साथ ट्रांजिशन देखोगे वो खुद ही आ जाता है, तो इसके साथ नी भी देखोगे तो भी चलेगा। चलो इसका ट्रांजिशन हमने देख लिया, अगला एलिमेंट कौन सा है? 3.9, तो 3.9 के साथ वो देखेंगे जो 9 से स्टार्ट हो रहा है, तो 9 से कौन सा एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है? 9.9 तो 9.9 के साथ तो बनेगा ही सही, क्योंकि वापस ये खुद ही आना, तो वापस अगले आगे से मैं 3.9 बचेगा। एक मिनट सुनो, आगे से मैं इनके साथ चेक नहीं करूंगा, क्योंकि इनके साथ चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही बन जाते हैं, है ना? 9.3 अगला है 3.12, तो 12 से कौन स्टार्ट हो रहा है क्या? 3.12 के साथ 12 से कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ 12.12 स्टार्ट हो रहा है, इनका ट्रांजिशन वापस ये खुद ही बनेगा 3.12 ही। यस सर, ठीक है। अगला लास्ट है 3.6, सर इसका 3.6 ही बन जाएगा। अब 6 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? यस सर, 6.6 इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? 3.12। यस सर, 3.12 अवेलेबल है क्या? हाँ अवेलेबल है ना? और 6 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? नो सर, 6.6 है, लेकिन उससे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद ही बनेगा। तो देखो हर पेयर बन रहा है ट्रांजिशन, यस सर, ऑप्शन है यार, तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, हर पेयर के साथ आंसर आ रहा है, ऐसा कोई भी पेयर नहीं जहाँ पे ट्रांजिशन नहीं बन रहा, ऐसा कोई भी पेयर नहीं जैसे दो प्रेजेंट और तीसरा प्रेजेंट ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इट इज ट्रांजिटिव। आई बात समझ में? आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। यस सर, बोलो सर, समझ आया कि नहीं आया? गेट इट सर। यस सर, यस सर, किसी को कोई स्टेटमेंट डाउट हो, कोई पार्ट नहीं समझ में तो जल्दी से पूछ लो, एनीवन जल्दी से, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। एक क्वेश्चन और देखो, ऑल अंडरस्टैंडेबल, एक ट्रांजिट, एक और क्वेश्चन ट्राई करो। चलो यहाँ पे दो रिलेशन है, दोनों को चेक करना एक एक करके, पहले आर वन को चेक करो फिर आर टू को चेक करो, 3 मिनट का टाइम दे, आराम से शांति से करो। सेट ए में एलिमेंट है 1 ABC, आपको आर वन आर टू दोनों के लिए एक एक करके चेक करना। अच्छा ऑप्शन में सिर्फ सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में बोला गया, तो उन्हीं के बारे में चेक करो। जिसको पिछला क्वेश्चन समझ में ना आए, इस क्वेश्चन में वापस समझूंगा तो एक बार और आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। आराम से ट्राई करना, गलती नहीं होनी चाहिए, जल्दबाजी में गलत मत करना, अभी भी बता रहा हूँ टाइम लेके आंसर दो, जल्दबाजी में गलती करोगे तो -1 मिलेगा, प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो +4। 3 मिनट का समय आपके पास, कोशिश करना प्रॉपरली पूरा करके 100% श्योरिटी से आंसर दो, आराम से टाइम लो। सर सेट में अगर एक भी ट्रांजिटिव पेयर होगा तो चल जाएगा ना? हाँ, अगर मान लो एक जगह भी नेग्लेक्ट होगा तो पूरा नॉट ट्रांजिटिव होगा, मान लो ट्रांजिशन पेयर बन ही नहीं रहे तो कोई देखने की जरूरत नहीं, और लेकिन ट्रांजिटिव अगर एक पेयर के लिए भी नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव ही बोले। ओके सर, सर सी ऑप्शन है सर, आर टू इज सिमेट्रिक। ठीक है चलो, मैं एक पोल लॉन्च कर रहा हूँ, पोल में आंसर करना, ठीक है, देखते हैं कितने परसेंट। बी ऑप्शन है सर। रुको रुको,
ऐसा सोचना कि अभी जेई की क्वेश्चन है और उसकी सॉलिडिटी के साथ आपको आंसर देना कि जेई में ऐसा क्वेश्चन आया है। मैंने पोल किया, इस पोल में अपना अपना आंसर टिक करो, फिर वहां से मैं देख लूंगा। आपको पोल दिख रहा है? पोल करना आता है सबको? हाँ सुन सुने, हाँ बोलो सर। बी ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है देखते हैं। सर पोल का पोल देखो दिख रहा होगा कहीं साइड में? नहीं सर नहीं आ रहा, शो नहीं हो रहा सर पोल। बहुत सारे बच्चों ने तो टिक कर दिया है सर, शो नहीं हो रहा। शो नहीं कर रहा, शो नहीं कर रहा सर। बाकी लोग बता दो, ऑप्शन नंबर डी है वैसे। बाकी लोग जिसको शो कर रहा है वो बता दो। आर टू आर ट्रांसिटिव सर, ऑप्शन नंबर डी है सर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ठीक है, ओके डी इज करेक्ट। ओके सुन लिया, नहीं हुआ शो, तो कोई शो नहीं हो रहा लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात। चलो सर अटेंडेंस वाला जो गूगल फॉर्म है उसके अंदर सर मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं आ रहा। गूगल फॉर्म में मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं आ रहा? नहीं सर, सिर्फ केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स है, तो सर अटेंडेंस लगा ही नहीं पाए। हाँ मैं बोलता हूँ एक मिनट उनको। यस सर आप बोल दीजिए। ठीक है इसका शो नहीं हो रहा। दिल्ली वाले बच्चों का क्या? पंजाब का? दिल्ली सर, पंजाब वालों का तो शो हो रहा है पर दिल्ली वालों को नहीं हो रहा। ओके ओके चलो करते हैं, हो गया टाइम। सुनो ध्यान से जल्दी सब, देखते हैं क्या आंसर है। बहुत सारे बच्चों ने ए डी ऑप्शन किया, बहुत कुछ बच्चों ने बी भी किया, कुछ बच्चों ने ए भी किया, ऑप्शन डी। देखते हैं क्या इसका आंसर है। डी। ओके देखते हैं, चलो सुनो ध्यान से। अरे हाँ हाँ सुनो ध्यान से। रिलेशन आर ए बी सी, इसमें एलिमेंट है सिमेट्रिक। सबसे पहले सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए एक एक करके एलिमेंट में चेक करूंगा। C, A का सिमेट्रिक A, C होता है, तो A, C अवेलेबल है क्या? हाँ अवेलेबल है, तो इन दोनों का काम हो गया। B, B को चेक करने की जरूरत नहीं, C, C को भी चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट होते ही है। अब B, C का सिमेट्रिक C, B ये भी अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है, तो सिमेट्रिक तो हो जाएगा। R1 सिमेट्रिक है, हाँ है ना? Yes, sir. R1 सिमेट्रिक तो आ रहा है, R1 को ट्रांजिटिव के बारे में। अब ट्रांजिटिव चेक करने, सुनो ध्यान से वापस से, एक एक करके सारा चेक करेंगे। सबसे पहला जो एलिमेंट है सी कोमा ए, सी कोमा ए का देख लेते हैं। सी कोमा ए का ट्रांजिशन उसके साथ बनेगा जो ए से स्टार्ट हो रहा था। ए से कौन स्टार्ट हो रहा है? ए कोमा सी। ए कोमा सर, ए सी भी है और ए भी है। ए सी सर। और ए से चेक करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बनेगा, आया ना? इसका सी कोमा सी बनेगा, सी कोमा सी प्रेजेंट है क्या? हाँ प्रेजेंट है, इसका काम हो चुका है, इसका काम हो चुका है। ठीक है अगला एलिमेंट चेक कर लेते हैं। अच्छा बी कोमा बी से देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि उससे हमेशा ही होता है। ए कोमा सी चेक कर लेते हैं। ए कोमा सी के उसके साथ चेक होगा जो सी से स्टार्ट हो रहा है, तो सी से कौन स्टार्ट हो रहा है? सी कोमा बी। सी कोमा बी। सी कोमा बी सर। इनका ट्रांजिशन बनेगा ए कोमा बी। यस सर। क्या ए कोमा बी प्रेजेंट है? नो सर। क्या ए कोमा बी प्रेजेंट है? तो यहीं पे नॉट ट्रांजिटिव हो गया आपका, तो क्या लिखोगे डायरेक्टली? नॉट ट्रांजिटिव।
अब बहुत सारे बच्चों का आंसर ही गलत हो गया। डी टी किया था ना तो बहुत सारे बच्चों ने। गलती समझ में आई क्या? एसी और सीबी का, एसी और सीबी का ट्रांजिशन ए कोमा बी कहां अवेलेबल है? आपने कैसे ट्रांजिटिव बोल दिया फिर? देख पा रहे हो? फिर मैं बी कोमा बी लिख दिया। हाँ तो ये क्या हो जाएगा? नॉट ट्रांजिटिव होगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं, एक जगह पर देखो ट्रांजिटिव में कुछ भी नहीं है। ट्रांजिटिव में आपको किस तरह के पेयर देखने हैं? ए कोमा बी और बी कोमा डी टाइप। जैसे मान लो एक एक एलिमेंट आपने ए कोमा बी लिया, अगला एलिमेंट उसको वो देखना जो बी से स्टार्ट हो रहा है, जो काई से स्टार्ट हो रहा है बी से। ट्रांजिशन क्या बन जाएगा? ए कोमा डी। इनका ट्रांजिशन क्या हो जाएगा? ए कोमा डी। तो ट्रांजिटिव कब होगा? अगर मान लो ए कोमा बी प्रेजेंट है और बी कोमा डी भी प्रेजेंट है, ये दोनों के दोनों आर के अंदर आ रहे हैं, तो इनका ट्रांजिशन ए कोमा डी भी आर के अंदर आना चाहिए, तो ट्रांजिटिव होगा। अगर मान लो ये नहीं आ रहा तो क्या बोलोगे? नॉट ट्रांजिटिव। ये अगर नहीं आ रहा तो क्या बोलोगे? नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है। इस क्वेश्चन में ए कोमा सी और सी कोमा बी, ए कोमा सी और सी कोमा बी का अगर आप ट्रांजिशन देखोगे तो क्या ट्रांजिशन बनेगा? ए कोमा बी बनेगा। लेकिन क्या ए कोमा बी आर वन के अंदर दिख रहा है? देखो ध्यान से, ए कोमा बी आर वन के अंदर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो ए कोमा बी आर वन के अंदर नहीं आ रहा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? नॉट ट्रांजिटिव। क्या बोल देंगे? नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया? इसका नॉइज आ रहा बैकग्राउंड से। मोहम्मद फरमान थोड़ा पीछे से नॉइज आ रहा है, अनम्यूट कर लो। ये समझ में आया जिसको भी डाउट था? नॉट ट्रांजिटिव होगा, बोलो। यस सर। आर टू का सिमेट्रिक चेक करने के लिए, सिमेट्रिक चेक करने के लिए हर एलिमेंट का रेसिप्रोकल देखना पड़ेगा। ए कोमा बी का रेसिप्रोकल कौन है? बी कोमा ए प्रेजेंट है, इसका तो एक खुद ही होता है। सी सी कोमा ए का रेसिप्रोकल ए कोमा सी, वो भी प्रेजेंट है, और ये दोनों भी प्रेजेंट, इनका रेसिप्रोकल एक खुद ही होते हैं। तो सिमेट्रिक तो है, आर टू भी सिमेट्रिक तो है। अब आर टू का सिमेट्रिक ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव देखने के लिए एक एक एलिमेंट को पकड़ो ध्यान से। जैसे ए कोमा बी, सबसे पहले वाला एलिमेंट कौन सा है? ए कोमा बी। अब ए कोमा बी का सर ट्रांजिशन किसका देखेंगे? जो बी से स्टार्ट हो रहा है, तो बी से कौन स्टार्ट हो रहा है? देखो ध्यान से, सर ट्रांजिटिव बी कोमा ए है, बी से कौन स्टार्ट हो रहा है? बी कोमा ए। यस सर। इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? ए कोमा ए, ए कोमा ए अवेलेबल है क्या? हाँ अवेलेबल है। यस सर अवेलेबल है। और कोई बी से स्टार्ट हो रहा है क्या? बी कोमा बी भी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसके साथ नी भी देखोगे चलेगा। चलो मतलब पहला एलिमेंट का हमने चेक कर लिया। अगला एलिमेंट कौन सा है? बी कोमा ए। अब बी कोमा ए के लिए चेक करते हैं। तो बी कोमा ए का किसके साथ चेक करोगे? जो ए से स्टार्ट हो रहा है ना, जो ए से स्टार्ट हो रहा है। तो ए से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? देखो ध्यान से, ए कोमा सी, ए कोमा बी, ए कोमा सी। का ट्रांजिशन क्या बनेगा? बी कोमा सी। क्या बी कोमा सी अवेलेबल है? देखो ध्यान से, बी कोमा सी आर के अंदर, आर टू के अंदर नहीं है, तो वापस क्या बोलोगे? नॉट ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव, तो ये भी नॉट ट्रांजिटिव। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? आर टू इज सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ऑप्शन के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। देखो ये गलत हो गया, आर वन नॉट सिमेट्रिक गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यस सर। एक भी बच्चे ने आंसर सी नहीं दिया। ऑप्शन सी है। नारा आपको अपनी गलती समझ में आई? यस सर। यस सर। ओके। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। सर आपने कॉमा अपडेट करा दिया? एक मिनट बोल रहा हूँ, एक सेकंड। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर।
ठीक है, दो एग्जाम्पल वापिस से घर पे रीप्रैक्टिस करना, और एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन इतने हैं उनकी भी रीप्रैक्टिस करना। एक आता एग्जाम्पल और कराता हूँ, चलो आप ये ट्राई करो, ये भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो जेई में बहुत बार आया हुआ है। एक बार आप ट्राई करो फिर मैं सिखाता हूँ, आपको दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ, खुद से कोशिश करो। नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। वो आएगी ना प्रूफ करना। सर रिफ्लेक्स और इक्विवेलेंस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? स्टेटमेंट और ऐड करें। सर मिनिमम नंबर ऑफ करने हैं इसमें। हमें एक रिलेशन बना लिए जो ताकि वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तुम आप ध्यान से क्वेश्चन समझ लो। सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है एबीसीडी, एक रिलेशन आर आपको दिया हुआ जिसके अंदर एलिमेंट अवेलेबल है ए कोमा बी, बी कोमा सी और बी कोमा डी। वो बोल रहा है इसमें कितने एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा में ताकि जो रिलेशन बन जाए वो इक्विवेलेंस बन जाए। इक्विवेलेंस बन जाए मतलब ऐसे कितने एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, दस एलिमेंट, बारह एलिमेंट, कितने एलिमेंट और एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे इसके अंदर ताकि जो आंसर बने वो इक्विवेलेंस बने। मतलब ये तीन तो एलिमेंट अवेलेबल है ही सही, इसमें और क्या एक्स्ट्रा ऐड करने पड़े, कितने एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करने पड़े ताकि वो रिलेशन इक्विवेलेंस बन जाए। मतलब रिफ्लेक्सिव भी, फाइव एलिमेंट्स और ट्रांजिटिव भी। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। यस सर। सर फाइव एलिमेंट्स नहीं, और सोचो अच्छे से, सारा सारी पॉसिबिलिटी देखनी है आपको। दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आराम से ट्राई करो प्लीज। कितने एलिमेंट ऐड करें ताकि आंसर मेरा इक्विवेलेंस बन जाए। तीनों होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों होना चाहिए। बच्चों ध्यान से करो। यस सर। अब प्रॉपरली सॉल्व करो, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कुछ भी आंसर दे रहे हो, प्रॉपरली टाइम लेके सॉल्व करो, सारी पॉसिबिलिटी देखो और फाइनल जो भी आंसर हो एकदम श्योरिटी के साथ दो। आपको सिर्फ ये बताना नंबर ऑफ एलिमेंट कितने ऐड करने, बाकी आंसर नहीं देना। सर सिक्स। सर फोर। सर थ्री। सर फोर। सर फोर। नहीं नहीं नहीं। सर फाइव। चलो सुनो ध्यान से। सर सेवन आंसर आएगा। सर नहीं, चलो सर आंसर है फाइव। ओके ओके आंसर है फाइव। नहीं 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 सारा गलत है। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन तो समझ में आ गया था, अब समझना अच्छे से। इसको देखो करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक पहले मैं प्रॉपर एक तरीका सिखा रहा हूँ, सारे पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी बना लो मैट्रिक्स के फॉर्मेट ताकि आपको कोई भी छूटे ना। यस सर। तो मैट्रिक्स के टर्म्स में बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे बोला कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी एडेड टू दिस,
हाँ तो यहाँ पे देखो सेट एक ही सेट है, अब माइक ऑफ कर लो, प्रॉपरली सुनो दिया, माइक ऑफ कर लो, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। हाँ आप सुनना ध्यान से, बीच में कोई मत बोलना, पहले सीख लो अच्छे से, तो अभी क्वेश्चन है वो करना आप लोग, ठीक है, पहले ध्यान से सीख लो फिर आगे वाले क्वेश्चन करना। अब यहाँ पे ए बी सी डी है, ठीक है, तो ए बी सी डी है तो इनपुट में भी ए बी सी डी है और आउटपुट में भी ए बी सी डी है, ठीक है, तो टोटल पॉसिबल जो पेयरिंग बन सकती है पहले वो हम बना रहे हैं। क्या क्या पेयरिंग बनेगी, ए की ए के साथ, ए कोमा बी, ए कोमा सी, ए कोमा डी, फिर बी की पेयरिंग बी का ए के साथ, इस तरह से टोटल 16 पेयर बन जाएंगे, तो ये 4x4 का एक तरह का मैट्रिक्स हो गया। तो टोटल एलिमेंट तो कितने होंगे, 16 होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो कितने होंगे, टोटल मैक्सिमम एलिमेंट तो कितने होंगे, 16, डी कोमा ए, डी कोमा बी, डी कोमा सी और डी कोमा डी। अब इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है ऑलरेडी वो मैं टिक कर देता हूँ, ए कोमा बी ऑलरेडी प्रेजेंट है, और कौन प्रेजेंट है, बी कोमा सी भी प्रेजेंट है और बी कोमा डी प्रेजेंट है, ये तीन एलिमेंट प्रेजेंट है, बाकी कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं। यहां तक समझ में आया? अब इसको मुझे एक एक करके सारी बनानी, सबसे पहले बनाना है रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले बनाना है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए आपको पता ही है कि अगर ये चार एलिमेंट है उनका खुद के साथ पेयरिंग अवेलेबल होना चाहिए, तो ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी और डी कोमा डी, ये चार को आना पड़ेगा, तो ये डायगोनल तो सारे आएंगे, हाँ है ना। रिफ्लेक्सिव के लिए कितने एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे, चार, आ रही बात समझ में? Yes, sir. क्योंकि इक्विवेलेंस बनाना है ना, तो इक्विवेलेंस में रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए आपको ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, डी कोमा डी, मतलब चार तो एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे, है ना। ठीक है, अब इसके बाद अगला आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ये बोला गया था कि जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनके रेसिप्रोकल अवेलेबल होना जरूरी है। तो देखो इनके रेसिप्रोकल इधर साइड में ही मिलेंगे आपको, कॉन्जुगेट में, ए कोमा बी का रेसिप्रोकल बी कोमा यहाँ पे मिले जाएगा, बी कोमा सी का रेसिप्रोकल कौन है, सी कोमा बी, वो यहाँ पे है, बी कोमा डी का रेसिप्रोकल कौन है, डी कोमा बी, वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये तीन एलिमेंट और ऐड होंगे, है ना, सिमेट्रिक में तीन एलिमेंट ऐड होंगे क्योंकि इनके रेसिप्रोकल भी तो होना पड़ेगा। Yes, समझ आ रहा है, ए कोमा बी का रेसिप्रोकल बी कोमा है, बी कोमा सी का सी कोमा बी, बी कोमा डी का डी कोमा बी, तो इन तीनों के रेसिप्रोकल भी मैंने ऐड कर दिए। अब लास्ट चेक करना है मुझे ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव थोड़ा आप ध्यान से देखना पड़ेगा, अब पेयरिंग आपको देखनी पड़ेगी, एक एक करके पेयरिंग देखना, सुनना ध्यान से एक बार, बस कंसंट्रेट होकर सुनना। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो इसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, ए कोमा ये डायगोनल वाला को कभी देखते ही नहीं अपन, सबसे पहले मैं इसको देख रहा हूँ ए कोमा बी, तो ए कोमा बी की ट्रांजिशन किससे होगी, जो बी से स्टार्ट हो रहा है ना। यस सर। तो कौन स्टार्ट हो रही है, रो टू कंप्लीट बी से स्टार्ट हो रही है। यस सर। अब देखो ए कोमा बी का बी कोमा ए के साथ ट्रांजिशन क्या बनेगा, ए कोमा ए वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो तो ऑलरेडी अपने टिक कर लिया रिफ्लेक्सिव में, है ना, इसका इसके साथ ट्रांजिशन तो बन गया। ए बी और बी ए का ट्रांजिशन ए कोमा ए वो तो ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव में कंसीडर, मतलब जो ब्लू से टिक कर दे वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ब्लू भी प्रेजेंट है, रेड भी प्रेजेंट है, ये मैंने ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। अब मुझे देखना और कितने ऐड करने हैं, तो जो ब्लू और रेड वाले टिक है तो ऑलरेडी ऐड मेरे हो चुके हैं, तो इसका ट्रांजिशन इसके साथ तो हो गया। अब इन दोनों का देखते हैं, अच्छा इसके साथ देखने की जरूरत नहीं, बी कोमा बी के साथ ये खुद ही आएगा तो इसका भी हो जाएगा। इसका देखो ए बी और बी सी का ट्रांजिशन ए सी, ए बी और बी सी बनेगा ए सी, तो ए सी को ऐड करना पड़ेगा, ए सी कहाँ प्रेजेंट है, ए बी और बी सी का ट्रांजिशन, लेकिन वो इसके अंदर नहीं है ना, आर के अंदर। अरे ये तो सारे पॉसिबल, ये तो क्या बनाया मैंने, ए क्रॉस ए, ये तो सारे पॉसिबल कलेक्शन है, लेकिन आर के अंदर तो अभी कौन कौन से प्रेजेंट, जो रेड से टिक किए, जो ब्लू से टिक किए, जो बच्चे में वो भी ऐड थोड़ी हूँ मैं, अभी कितने एलिमेंट ऐड हुए, सात, ये तीन तो ऑलरेडी प्रेजेंट थे। देखो सुनो ध्यान से, ये ऑरेंज कलर के तीन एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट थे, रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने ब्लू कलर के चार एलिमेंट ऐड किए, और ट्रांजिट सिमेट्रिक के लिए रेड वाले तीन एलिमेंट, तो टोटल अभी तक कितने एलिमेंट ऐड हुए, सेवन एलिमेंट ऐड हुए। यहां तक समझ में आया? यस सर।
अभी ट्रांजिशन आती है, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ए कोमा बी का बी कोमा सी के साथ जो ट्रांजिशन बन रहा है वो बन रहा है ए कोमा सी, तो ए कोमा सी को ऐड करना पड़ेगा, तो ग्रीन कलर से ऐड कर दिया। अच्छा जैसे ही ए कोमा सी को मैंने ऐड किया, इसका रेसिप्रोकल भी हाथों ऐड करना पड़ेगा, है ना, तो सिमेट्रिक में एक और बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये दोनों अभी ऐड हो गए, क्लियर हुआ सर? एक बार रिपीट कर दो। ठीक है सर, रिपीट कर दो। हाँ कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, दो मिनट। यहाँ तक समझ में आया क्या? यस सर। रिफ्लेक्सी और सिमेट्रिक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस रिफ्लेक्सी तो सिमेट्रिक समझा, ट्रांसिटिव नहीं आया सर। अरे मैं वो पूछ रहा हूँ, रिफ्लेक्सी सिमेट्रिक समझ में आ गया? यस सर। ट्रांजिटिव समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कंसेंट्रेट हो। ट्रांजिटिव भी आ गया। हाँ कोई बात नहीं, जिसको आ गया वो मैंने शांत रहो, जिसको नहीं आया वो सुनो ध्यान से। ट्रांजिटिव में समझा रहा हूँ, ट्रांजिटिव में एक एक पेयर को प्रॉपरली चेक करेंगे। सबसे पहले ए कोमा बी को चेक करेंगे, ए कोमा बी का ट्रांजिशन किसके साथ बनेगा जो बी से स्टार्ट होता है, आया ना? अब बी से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? ये चारों एलिमेंट, तो इन चारों के साथ एक एक चेक करो। बी कोमा ए, बी कोमा ए का ट्रांजिशन क्या बनेगा? ए कोमा बी, सर्कल बार इसको मैंने इंक्लूड कर लिया, ये भी मैंने इंक्लूड कर लिया, ये इंक्लूड कर लिया, ये इंक्लूड कर लिया। रिफ्लेक्सी में चारों इंक्लूड हो गए, सिमेट्रिक में ये तीन इंक्लूड हो गए, तो जो ऑलरेडी इंक्लूड हो गए उनको मैंने गोला मार दिया, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब जो बच्चे हुए उनके लिए चेक करना की जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है उनको मैंने ऐड कर दिया है। ये आपके रिलेशन इंक्लूड हो चुके हैं, अब मुझे बस ये चेक करना कि एक दो तीन चार पांच छह, ये छह एलिमेंट आपके आएंगे कि नहीं आएंगे ये चेक करना है। तो मैं ग्रीन कलर से चेक कर रहा हूँ, तो देखो ए कोमा बी, बी कोमा का ट्रांजिशन ए कोमा है तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं, इसके साथ चेक हो चुका है। अब इसके साथ भी ऑलरेडी, अरे आप माइक ऑफ कर दिया करो यार, कौन है? देव बच्चों मैं जब समझा रहा हूँ तो प्लीज माइक ऑफ कर दिया करो, कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, नहीं तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। ठीक है सुनो ध्यान से, ए कोमा बी का जब बी कोमा सी के साथ ट्रांजिशन देगा तो इनका ट्रांजिशन क्या बना? ए कोमा सी, लेकिन ए कोमा सी प्रेजेंट था क्या? नहीं प्रेजेंट था, तो इसको भी प्रेजेंट करना पड़ता, इसको मैंने सर्कल मार दिया, इसको क्या कर दिया सर्कल, तो ट्रांजिटिव में ए कोमा सी को भी लाना पड़ेगा, है ना? यस सर। क्योंकि मुझे इक्विवेलेंस बनाना है, इक्विवेलेंस बनाना है तो मतलब रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा, ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा, तो ए बी और बी सी का ट्रांजिशन ए कोमा सी है तो ए कोमा सी को भी आर के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। अच्छा अब जैसे ही ए कोमा सी को मैंने इंक्लूड किया, सिमेट्रिक के लिए इसका रेसिप्रोकल को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो सी कोमा ए को अपने आप आ गया, एकोमा सी अगर आ रहा तो सीकोमा ये भी अपने आप आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जनरली आपके आंसर में सारे आ जाते हैं। अब अगला क्या बचेगा? ए का इसके साथ, ए कोमा बी का बी कोमा डी के साथ इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? एडी। अब एडी भी प्रेजेंट नहीं है तो एडी को भी इंक्लूड करो, तो एडी भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अब एडी इंक्लूड किया तो इसका सिमेट्रिक बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो डीए भी अपने आप आ गया, जैसे सी आई या डी ए भी अपना। अब लास्ट बच रहा है सिर्फ कौन सा एलिमेंट? सी डी। अब चेक कर लो सी डी आएगा कि नहीं आएगा। अब सी डी कब बनेगा? जब ए सी का या तो सी डी के साथ हो जाए, या फिर देखो ध्यान से, बी सी सी डी कब बन सकता है? जब स्टार्टिंग मान लो सी सी हो रही हो। देखो अब सी ए, सी कोमा ए प्रेजेंट है, ए कोमा डी भी प्रेजेंट है, तो इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? सी कोमा डी, तो सी कोमा डी को भी आना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली जो बचा हुआ एलिमेंट है इसको भी आना ही पड़ेगा। तो अगर ये आ रहा है तो इसका रेसिप्रोकल ये भी आएगा, तो बेसिकली सारे आ गए। तो टोटल मेरे पास कितने एलिमेंट थे? 16 एलिमेंट थे, उसमें से कितने प्रेजेंट थे? तीन। तो टोटल कितने ऐड करने पड़ेंगे? 13 को ऐड करना, सारे के सारे को पीछे जो भी बच्चे कुछ सबको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके रिफ्लेक्सिव भी बनेगा, सिमेट्रिक भी बनेगा, ट्रांजिटिव भी बनेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हो सकता है अभी पहली बार में नहीं समझ में आए, और एग्जांपल और भी लेंगे आप, लेकिन एक बार इसको वापस से आप रिट्राई जरूर कर लेंगे।
तो मेरे पास एक और इस तरह से ट्राई करोगे तो कोई मिस नहीं होगा, इसे मैट्रिक्स बना लोगे ना तो टोटल पॉसिबिलिटी 16 की थी, टोटल 16 मैक्सिमम 16 बन सकते थे, उसमें से 3 तो प्रेजेंट थे, ये बचे हुए 13 भी ऐड करने पड़ेंगे तभी जाके रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है? ओके सर, चलो आज हम इतना ही रखते हैं, आज हमने थ्योरी रिवाइज कर ली है, आपका आज का होमवर्क क्या होगा सुनो ध्यान से, कल की क्लास में मैं आपको जेई के, सुनो ये लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या कर लिया आज, थ्योरी रिवाइज हो गई बेसिक, ठीक है? लेक्चर 2 में 2022-23 और इस साल 24 के पीवाईक्यू ट्राई करेंगे लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है? और लेक्चर नंबर 1 का होमवर्क आपका ये है, एक तो आप आज घर जाके नोट्स को रिवाइज करना जो आज मैंने नोट्स पढ़ा है, प्लस एनसीईआरटी के कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेना, और अगर आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम करो तो उसके कुछ क्वेश्चन कर लेना, क्लियर है? यस सर, यस सर, ओके सर, हाँ बोलो बोलो सर, मेरी वॉइस क्लियर हो रही है? हाँ जी, सॉरी एक मिनट, वो सौरा थोड़ा सॉरी थोड़ी गलती से वो बायोलॉजी आ गया था, मैंने मैथ्स उसमें कर दिया है, दिल्ली के स्टूडेंट्स प्लीज उस फॉर्म को फिल कर दीजिए, ठीक है? सभी जिन्होंने भी फॉर्म फिल अप, अटेंडेंस वाला फॉर्म एक बार वापस फिल अप कर देना दिल्ली वाले बच्चे, और हाँ, जो पंजाब वाले थे वो भी अपनी अटेंडेंस फिल अप कर देना, बाकी जो बच्चे उनकी अटेंडेंस डायरेक्ट ले ली गई है उनको फिल अप करने की जरूरत नहीं, क्लियर है? ओके सर, ओके सर, चलो ठीक सर, उत्तराखंड की और जो उत्तराखंड के बच्चे हैं और जो एचपी के बच्चे उनकी अटेंडेंस यहीं से डायरेक्ट मार्क कर ली गई है तो आपको फॉर्म फिल अप करने की जरूरत नहीं है, ओके? आज का लेक्चर जो मैंने पढ़ाया क्या सबको समझ में आया? यस सर, यस सर, यस सर, नेक्स्ट क्लास में और भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आज जो पढ़ाया उसको रिवाइज करके आना, अगली क्लास में आपको मैं जेई की लेटेस्ट पीवाईक्यू करूंगा और आपको ये आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन जेई में आते हैं, क्लियर है? ओके सर, यस सर, एक बार लिंक और भेज देंगे क्या? यस सर, अटेंडेंस की, हाँ एक सेकंड, ओके थैंक यू एवरीवन, बाकी आप लीव कर सकते हो, अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सर, बाय, थैंक यू, जिन्होंने फॉर्म फिल किया है वो जरूर फिल करें, थैंक यू सर, थैंक यू सर, हां नेहा मैम एक बार वो फॉर्म आप चैट बॉक्स में डाल दो, हां मैं दोबारा डाल दिया, फरमान ने डाल दिया है, एक बार सभी बच्चे दिल्ली वाले सब बच्चे भर दीजिए।